हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के राय। और हम लोग का सिलसिला थम सा गया था, लेकिन ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता ही रहेगा। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास टेंथ मैथ्स सिलेबस के बारे में, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का है नंबर सिस्टम। सबसे पहला क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स, एलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिलाकर 11 मार्क्स। टोटल को ऐड करते हैं तो टोटल क्या होता है? 80 मार्क्स का हम लोग का क्वेश्चन होता है। 20 मार्क्स आपके स्कूल से मिलते हैं, वहाँ जो भी करना होता है। तो हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में, तो वही यूक्लिड डिवीजन लेमा वगैरह वहाँ पढ़ना होता है। एलजेब्रा, तो एलजेब्रा में यहाँ बहुत सारा पार्ट आ जाता है। एलजेब्रा में 4 पार्ट कौन कौन है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलजेब्रा में आता है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या पॉलिनोमियल। पहले मान लो एक पॉलिनोमियल भी आता है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो इसी में आता है ना। हाँ, क्वाड्रेटिक भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एपी, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सभी मिलाकर हम लोग का 20 मार्क्स कंप्लीट करता है। अगला हम लोग का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स स्पेशल। इसमें बस कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही है, इसी से हम लोग को 6 मार्क्स मिल जाएगा। ज्योमेट्री 15 मार्क्स। तो ज्योमेट्री में हम लोग का 3 पार्ट आ जाता है, कौन कौन? तो एक तो ट्रायंगल आ जाता है, ट्रायंगल। सेकंड क्या आता है? तो सेकंड हम लोग का है सर्कल। फिर से तो इसमें आ जाता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हम लोग का ट्रायंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन मिलाकर 15 मार्क्स कंप्लीट होता है। फिर से क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी 2 पार्ट, एक तो जो हम लोग बेसिक ट्रिगो पढ़ते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री ही है, ट्रिगोनोमेट्री। इसमें बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगोनोमेट्री मिलाकर हम लोग का 12 मार्क्स कंप्लीट होता है। फिर आ जाते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में क्या है? तो इसमें भी 2 पार्ट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और फिर क्या है? तो हम लोग जानते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिलाकर 11 मार्क्स कंप्लीट होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग का सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक, किस चैप्टर पे हम लोग को कितना टाइम देना है। तो नंबर सिस्टम, बस क्या करना है? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में बस आप लोगों को क्या करना है? आर्यस अग्रवाल लगा लेना है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस रिपीटेड हो, रिपीट करता है, इसका क्वेश्चन रिपीट करता है। तो नंबर सिस्टम इजी में आएगा, ठीक है। बस गया अलजेब्रा, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम देना है अलजेब्रा, सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ देना है? अलजेब्रा में देना है, अलजेब्रा में टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है, अलजेब्रा में टाइम देना है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है? बस एक नोट्स बना लेना है, उसको 2-3 बार रिवीजन करना है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं है, तो ये भी ईजी आएगा, ठीक है, ईजी आता है, आना ही है, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल, वही ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में थोड़ा सा टाइम देना है, क्या करना है? एनसीईआरटी ए टू जेड ऑप्शनल के साथ कर लेना है। ऑप्शनल के साथ कर लेने से क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। अगर आर्यस अग्रवाल पूरा लगा लेते हो फिर तो कोई कहना ही नहीं, ठीक है। तो ज्योमेट्री अगर एनसीईआरटी भी कोई कर लेता है ऑप्शनल के साथ, तो उसका क्वेश्चन रुकना नहीं है, ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ज्योमेट्री के बाद हम लोग देखे थे क्या, तो मेंसुरेशन। सबसे आसान
मेंस्ट्रुएशन वैसे सबसे आसान तो नहीं लेकिन आसान माना जाता है, इसीलिए थोड़ा सा टफ बच्चों को लगता है। क्यों लगता है भाई? इसका कारण है कि इसमें कैलकुलेशन आता है, ठीक है, दो चार फॉर्मूले हैं और कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन बच्चा ढंग से कर नहीं पाता है, थोड़ा छोटा छोटा कैलकुलेशन है, तो इसमें बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। प्रैक्टिस हो जाएगा, मेंसुरेशन बन जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, मेंसुरेशन प्रैक्टिस लेगा, यह है प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आसान होता है, एक बार सीख लो, बार बार उसको देखते रहो, कहानी खत्म। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक से दो बार पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगा। रहा बात अलजेब्रा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना होता है क्योंकि इसमें खुद से इक्वेशन बनाना होता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, तो अलजेब्रा में टाइम देंगे हम लोग, बाकी सबको बस पढ़ते जाएंगे ठीक है, और रिविजन करेंगे। अलजेब्रा तो प्रैक्टिस है ही, इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अलजेब्रा में ही चाहिए, यहाँ तो प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए लेकिन अलजेब्रा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस खोजता है। तो क्या करना है? अलजेब्रा को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, अलजेब्रा में टाइम देना है। बाकी सबको क्या करना है? एक से दो बार पढ़ना है और एक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और बाकी खुद तो आप लोग एक्सपीरियंस करोगे और देखोगे। अब हम लोग स्ट्रेटजी पर बात करते हैं कि कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़े, कितना मार्क्स लाने के लिए कितना पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी बच्चा जो चाहता है कि मेरा 60-80% आ जाए, 60-80%, ठीक है, उसको क्या करना होगा? मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, उसको क्या करना होगा? NCERT एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 3 times। कोई भी बच्चा जो 60-80 लाना चाह रहा है उसको क्या करना होगा? NCERT एग्जाम्पल का और एक्सरसाइज का 3 बार उसको करना होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है 60+, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसको आना ही है, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। तो NCERT एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 3 times, 60-80% आपके हाथ में, ठीक है। कोई बच्चा चाहता है कि 80-90 आ जाए, 80-90, उसको क्या करना होगा? ये तो करना ही होगा, ऊपर वाले क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा, एंड और क्या करना होगा? उसको ऑप्शनल लगाना होगा, ठीक है, उसको क्या करना होगा? ऑप्शनल लगाना होगा। अगर वो बच्चा ऑप्शनल भी लगाता है तो 80-90% उसका लिखा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। तो 80-90 लाना है तो क्या करना है? NCERT एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 3 times, और क्या करना है? ऑप्शनल को 2 बार देखना है, ठीक है। तो ऑप्शनल और NCERT एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, ऐसा कोई बच्चा करता है तो 80-90% उसका आना फिक्स माना जाता है। चलो 90-100, अब 90-100% के लिए तो इसमें अब क्या करना है? इतना काम तो करना ही पड़ता है। इतना काम करने के अलावा कोई बच्चा RS अग्रवाल या RD शर्मा, कोई भी एक बुक, RD शर्मा थोड़ा सा एडवांस, वो 100 एकदम लाने के लिए RD शर्मा लगाना होगा, ठीक है। 90-100 के बीच अगर लाना है तो RS अग्रवाल लगा लो। तो RS अग्रवाल हम लोग लगाएंगे और क्या होगा? 90-100%। अच्छा, RS अग्रवाल लगाने का मतलब ये नहीं कि 2 questions बन रहा है, 2 questions फंस रहा है, फंसना नहीं है, मतलब कि जब तक हम लोग तब तक बनाएंगे जब तक सारे क्वेश्चन हम लोग को खुद से ना बनने लगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो जाए। तो NCERT ये लगाने से पहले हम लोग को क्या पढ़ना होगा? थ्योरी एकदम कंप्लीट पढ़ना होगा, थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? कंप्लीट थ्योरी, उसके बाद ये क्राइटेरिया है कि इतना पढ़ो और ऐसा करो, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को समझ में आ गया है RS अग्रवाल, RS अग्रवाल और RD शर्मा, दोनों में से कोई एक लगा लो। RD शर्मा एकदम 100% के लिए है, 90-100 के बीच के लिए RS अग्रवाल लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है, ऐसा करने से मैं गारंटी देता हूँ जितना बोला गया है उतना आना ही है, उससे ज़्यादा ही आ जाएगा। हाँ, NCERT एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज लगाने से 60-80 में बोला हूँ, 80+ भी आ सकता है लेकिन 60 से कम नहीं आएगा, ठीक है। इसमें
मतलब ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन कम आने का कोई चांस नहीं है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस, नए एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री के साथ। अपना ख्याल रखो, खूब मस्त रहो, बेस्ट ऑफ लक।